बीते दिन हमने कई वीडियोस में रोल्स ऑफ नाउन को डिक्लेयर किया और पर्टिकुलर कल रोल्स ऑफ नाउन का सेकंड पार्ट रोल्स ऑफ पजेसिव के स्टार्ट किया गया था और कल उसमें तीन या चार रोल हुए थे। कल का रोल्स ऑफ पजेसिव के का अंतिम रोल रहा कि हम कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके अंतिम पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट रोल है जब दो या दो से अधिक नाउन्स का संबंध एक व्यक्ति या एक वस्तु से हो। जब दो या दो से अधिक नाउन्स का संबंध एक व्यक्ति या एक वस्तु से हो तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल अंतिम नाउन के साथ ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट राम श्याम हरीश विनीत ये तीन या चार लोग किसी एक स्कूल में जाते हैं तो ये स्कूल इन तीनों चारों का हुआ तो हमें करना होगा। अभी हमने बताया है कि जब किसी नाउन्स का संबंध एक व्यक्ति या एक वस्तु से हो तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंत में करना चाहिए। इस सेंटेंस में आपको बताया गया यहाँ पर तीन नाउन हैं और इन तीनों का संबंध एक स्कूल से है। इस सेंटेंस में तीन नाउन का उल्लेख राम श्याम और हरीश और इन तीनों का संबंध एक स्थान या एक वस्तु से है तो ऐसी स्थिति में अंतिम नाउन के साथ ही अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स का संबंध एक व्यक्ति या एक वस्तु से होगा तो ऐसी स्थिति में आप अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग अंतिम नाउन में ही करते हैं। और अब यहाँ पर इसका आशय है ये विद्यालय इन तीनों का है मतलब इन ये तीनों एक ही विद्यालय में पढ़े जाते हैं। और आपका नेक्स्ट रोल है कि जब भिन्न भिन्न नाउन्स का संबंध भिन्न भिन्न व्यक्तियों से हो जब अलग अलग नाउन्स का संबंध अलग अलग व्यक्तियों से हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्रत्येक नाउन के साथ करते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें प्रत्येक नाउन के साथ करना चाहिए। सपोज दैट merchants आप देख रहे हैं अभी हमने बताया जब अलग अलग नाउन्स का संबंध अलग अलग वस्तुओं से हो तो हमें प्रत्येक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर लिंटन की पोएट्री अलग है जॉनसन की पोएट्री अलग है तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग नाउन का संबंध अलग अलग वस्तुओं से हो तो प्रत्येक नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और आप यहां देख रहे हैं मर्चेंट्स एंड जॉनसन्स पोएट्री आर अफेक्टिव दोनों की पोएट्री काफी प्रभावपूर्ण है प्रभावकारी है। तो हमने देखा जब अलग अलग नाउन्स का संबंध अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं से हो तो हम प्रत्येक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन्स का संबंध एक व्यक्ति या एक वस्तु से हो
तो हमें केवल अंतिम नाउन के साथ ही अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए। एडजेक्टिव के पूर्व, एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करने से वह प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ उसके बाद को ये एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करने से वह प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे द रिच और टू रिच पीपल, द पुअर इक्वल टू पुअर पीपल, द हेल्पलेस helpless people, तो हमने देखा किसी भी एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग करने से वह प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता है। आप एग्जांपल देख रहे हैं, द रिचेज शुड हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपको रूल बताया गया कि जनरली किसी भी एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करने से वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करने से वो ऑलरेडी प्लूरल नाउन हो जाता है तो आपको यहां पर एस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द पुअर व द रिच व द पुअर ये ऑलरेडी प्लूरल हैं। ओके, तो साथ नाउन्स के दोनों पार्ट समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ समय हम आपको बता दें रूल्स ऑफ नाउन्स के दोनों पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब दोनों पार्ट से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेस हम फोकस करेंगे उस पर।
हम लोग देख रहे हैं टॉपिक समाप्त करने के बाद उसके एक्सरसाइजेस को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होता है, ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका, ही हैज टू सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ साली, देवरानी, जेठानी, ये सब होती हैं। तो यहां पर कहने का मतलब उसके दो सालियां हैं, ये कंपाउंड नाउन है सिस्टर इन लॉ। और हमने आपको बताया था अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो उसके रूट वर्ड में, उसके मेन वर्ड में जाकर एस या एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। सिस्टर इन लॉ का मेन वर्ड सिस्टर है ना कि लॉ, इसलिए ये कंप्लीट करने के लिए हमें करना होगा ही हैज टू सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स होगा ना कि लॉज, क्योंकि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इसके रूट वर्ड में हम एस जोड़ते हैं। सेकेंड है द शेफर्ड हैड मेनी सीप, ये इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है यहां पर, क्योंकि आपने जाना था सीप अपने सिमिलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही सीप रहता है। सीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सीप रहता है, इसमें कभी एस वगैरह नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहां से एस हटाएंगे तो ये सही हो जाएगा, द शेफर्ड हैड मेनी सीप। नेक्स्ट आते हैं रोहन वांटेड टू बाय फोर जायंट बनानास, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपने जाना था जब जायंट इसको 100,000 के पूर्व बनते हैं, आपने जाना था कि डजन इसको 100,000 के पूर्व जब कोई भी निश्चित संख्या आती है तो इनमें हमें एस वगैरह नहीं जोड़ना चाहिए। डजन के पूर्व एक निश्चित संख्या फोर है, इसलिए वहां पर एस नहीं जुड़ेगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं सी हैव सी गिव मी मेनी न्यूज, मेनी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अर्थात इसका प्रयोग उनके साथ कर सकते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और गिना उन्हीं को जा सकता है जिन्हें आप टच कर सकते हैं। और ये न्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, केवल फील करते हैं। और समान तरीके से हमने बताया था कि कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, वो भले प्लूरल दिखे ही क्यों नहीं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे प्लूरल नहीं होते। उसमें आपको बताया गया था सिविक्स, इथिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज, इनिंग्स, तो ये न्यूज सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनता भी नहीं है, तो इसकी लगाने की कोई जरूरत है नहीं, बशर्ते मीनिंग का प्रयोग वहीं पर करना चाहिए जिन चीजों को हम गिन सकें, जिन्हें और गिन उन्हें सकेंगे जिन्हें आप टच कर सकेंगे। दे डू नॉट ईट फिशेस, आप नेक्स्ट देख रहे हैं दे डू नॉट ईट फिशेस, और कल ही आपको बताया गया था कि जब मछलियों को भोजन के रूप में देखा जाएगा या एक समूह के रूप में देखा जाएगा तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है, फिशेस नहीं करते। जब मछलियों को भोजन के रूप में या एक समूह के रूप में देखा जाए तो फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, अतः इसे सही करने के लिए यहां से किया सटाइए। ही डज नॉट अपियर टू हैव एनी ब्रेन, ही डज नॉट अपियर टू हैव एनी ब्रेन, कहां पर कहने का मतलब है उसके जरा भी समझदारी या बुद्धि प्रतीत नहीं होती है। तो ये तो ब्रेन मस्तिष्क है, ब्रेन करने पर ये समझदारी या बुद्धिमानी का सेंस देगा, तो सही करने के लिए आपको ये ब्रेन में एस ऐड करना होगा। हम यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का प्लूरल क्या होगा उसका एक लिस्ट दे रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स में इसे मेंशन करिएगा। एल्यूमिनस,
जिसमें विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होता है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होता है और एल्यूमनस का प्लोरल एल्यूमनी होता है। ये प्लोरल है, तो एलोमनस जिसका मीनिंग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हुआ, इसका प्लोरल एलोमनी होता है। एडेंडम, इसका प्लोरल एजेंडा होता है और लोग इसी शब्द को एजेंडा कहते हैं जनरली। एडेंडम अपभ्रंश करके, अशुद्ध करके लोग इसे एजेंडा बोलते हैं। ये कार्यक्रम होता है, कार्यसूची होता है, एजेंडम का प्लोरल एजेंडा हुआ। चीफ का प्लोरल चीफ्स होता है। लोग जनरली ये मानते हैं कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एफ होता है उनका प्लोरल बनाने के लिए आप वीईएस करते हैं। मैं ऐसे नाउन एक्सेप्शन टाइप लिखकर बता रहा हूँ, लिस्ट उनका दे रहा हूँ, जिनका प्लोरल विशेष तरीके से बनता है। डॉग का प्लोरल फेनोमेना, रूल्स रेगुलेशन होता है, फेनोमेना इसका प्लोरल फेनोमेना होता है। ये रूल्स रेगुलेशन इसका मीनिंग है, फेनोमेना सिंगुलर है और फेनोमेना प्लोरल है। सेफ का प्लोरल सेफ्स होता है। ये जो अलमारी होते हैं गोदरेज वगैरह की, आयरन की, ये वो है सेफ का प्लोरल सेफ। स्ट्राइफ का स्ट्राइफ, ऐसे कोई मोस्टली नाउन इनके लास्ट में फुल जोड़ा जाता है। ऐसे कोई भी शब्द जिनमें फुल जोड़ा जाएगा तो याद रहे, पहली बात फुल में तो होता तो डबल एल है, लेकिन किसी के साथ आगे जोड़िए चाहे पीछे जोड़िए वो सिंगल एल बसता है। और जिनमें भी फुल शब्द जुड़ा है उनका प्लोरल के लिए फुल करेंगे, जैसे माउथफुल हो या हैंडफुल हो, उसका माउथफुल या हैंडफुल करते हैं। तो आपने देखा कि फुल किसी से भी शब्द के पहले जोड़ा जाए या अंत में जोड़ा जाए, फुल में डबल एल होता है लेकिन वो सिंगल एल बसता है जब वो किसी शब्द के साथ ऐड किया जाता है तो। और माउथफुल हैंडफुल जैसा भी होगा प्लोरल बनाएंगे फुल हो जाएगा। एमए किसी भी शॉर्ट फॉर्म, जैसे एमए है, शॉर्ट फॉर्म का प्लोरल बनाने के लिए इसके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। मैन सर्वेंट, इसका प्लोरल मैन सर्वेंट होता है, मैन सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर का वीमेन डॉक्टर्स, वीमेन डॉक्टर्स होगा। मीडियम का प्लोरल मीडिया होता है, मीडिया। इस तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लोरल फॉर्म्स जाने, आपको इन्हें अपने नोट्स में जगह देनी होगी, लिखना होगा। ठीक है, रोल्स ऑफ नाउन समाप्त है। आपको अपने बुक्स से एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करिए, कहीं प्रॉब्लमेटिक लगा कर रखिए, जब हम लोग पर्सनली मिलेंगे तो बातचीत क्लास में होगी, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। रोल्स ऑफ नाउन समाप्त हो चुका है। ओके।